दोस्तों आज की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मायावती के चेहरे पर नजर आने वाले भावों को देखिए। ये सियासी जगत की फोटो ऑफ द मंथ है। क्यों? क्योंकि इस तस्वीर में यूपी की सियासत का बड़ा संदेश और बसपा का भविष्य छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे अलग होकर चलने वाली इकलौती नेता अगर कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती है। जब भी वो सत्ता में आई हमेशा अप्रत्याशित तौर पर ही उनकी एंट्री हुई। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जब जब बसपा को कमजोर आंका गया तभी इस पार्टी ने दमदार वापसी की और इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश अब खुद मायावती ने फिर से शुरू कर दी है। इस नेता में कितनी दृढ़ता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि एक ओर जहां हर छोटा बड़ा दल किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बन चुका है लेकिन मायावती ने आज एकदम स्पष्ट कर दिया कि वे अकेले ही चुनावी मैदान में कूदेंगे। हमें कमजोर समझने वालों को जनता ऐसा जवाब देगी कि चुनाव के बाद अलग अलग पार्टियों के चिल्लाने वाले तमाम नेता बसपा के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे और ये उनके सामने एक मजबूरी होगी। दरअसल बसपा के मुख्यालय पर प्रदेश के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आज हुई है। इस दौरान मायावती ने सभी पदाधिकारियों से पिछली मीटिंग में दिए गए टारगेट को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में मायावती ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नेताओं के साथ विचार विमर्श भी किया। मीटिंग की खास बात ये रही कि मायावती के भाई आनंद और उनके भतीजे आकाश भी इस मीटिंग में शामिल हुए और मंच पर तीनों एक साथ नजर भी आए। जब मायावती यहाँ पहुंची तो सबसे पहले भाई आनंद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भतीजे आकाश ने भी बुआ का अभिवादन अपने ही अंदाज में किया। आकाश को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है और अब एक बार फिर से उनके परफॉर्मेंस पर मायावती काफी खुश नजर आई। आकाश के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और उसी वक्त फोटोग्राफर ने यह तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब कोई शंका और शक नहीं रह गया है कि आकाश ही बसपा के भविष्य है और अब उन्हें खुद को साबित भी करना होगा, अपनी क्षमताओं को बहन जी के सामने पेश करना होगा। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और सभी ने बारी बारी से मायावती के हर सवाल का जवाब भी दिया। पार्टी की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करने के साथ ही मायावती ने संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि कई नेताओं के कामकाज से मायावती खुश नहीं है, ऐसे में मीटिंग के बाद उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है। कुछ नेताओं को नया दायित्व भी लोकसभा चुनाव से पहले बहन जी की ओर से दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बसपा सुप्रीमो पहले भी रिव्यू मीटिंग कर चुकी है और तमाम दिशा निर्देश दे चुकी है। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मायावती की यह बैठक काफी अहम थी और इसीलिए यूपी के तमाम सियासतदानों की नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी। बहरहाल आकाश आनंद को लेकर यह मीटिंग चर्चाओं में है और कहा यह जा रहा है कि मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर अब आखिरी मोहर लग चुकी है।